गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को वायरस को लेकर अलर्ट किया है। दरअसल एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम बग्स और मेलवेयर से बचे रहने की होती है। गूगल को जैसे ही इस बग का पता अपने सिस्टम में चलता है, वह अपने यूजर्स को अलर्ट कर देता है। एक बार फिर गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को वार्निंग दी है और गूगल क्रोम ब्राउजर अपडेट करने को कहा है। गूगल की ओर से ब्राउजर में जीरो डे बग को पैच किया गया है और ये एक जरूरी अपडेट है। सर्च इंजन कंपनी गूगल की ओर से कहा गया है कि क्रोम ब्राउजर में मौजूद बग की मदद से यूजर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ZDNet की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए बग की वजह से अटैकर्स को क्रोम सिक्योरिटी सैंडबॉक्स बाईपास करने का ऑप्शन मिल गया था। ऐसा करने के बाद अटैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड रन कर सकते थे और कई बदलाव बिना यूजर्स को पता चलने कर सकते थे। गूगल की ओर से क्रोम फॉर एंड्रॉइड ब्राउजर के लिए सिक्योरिटी अपडेट रिलीज किया गया है। पिछले महीने भी गूगल के सिक्योरिटी रिसर्चर ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक जीरो डे की खामी का पता लगाया था। प्रोजेक्ट जीरो के टेक्निकल हेड बेन हॉक्स ने कहा कि खामी को विंडोज यूजर्स के लिए भी 10 नवंबर तक फिक्स कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जीरो डे से जुड़ी खामी की मदद से अटैकर्स अपने स्मार्टफोन या फिर सिस्टम की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना यूजर्स को पता चले उसका पर्सनल डेटा चोरी या शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग डिटेल्स की मदद से पैसे की भी चपत लगाई जा सकती है। दूसरी खबर वीवो के स्मार्टफोन से जुड़ी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने इस सीरीज के नए हैंडसेट वीवो S7e 5G को चीन में लॉन्च कर दिया। वीवो S7e 5G में डायमेस्टी 720 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस को कुल 4 कैमरे का सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं वीवो S7e 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में। कंपनी ने वीवो S7e 5G स्मार्टफोन की कीमत और बिक्री को लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी। फोन की कीमत का खुलासा 11 नवंबर को किया जाएगा। वहीं ये फोन मिरर ब्लैक, फैंटम ब्लू और सिल्वर मून कलर ऑप्शन में मिलेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।